रादौर में हेमंत सेवा समिति व भाजपा चिकित्सा प्रकोष्ठ द्वारा किया गया नशा मुक्ति शिविर का आयोजन। भाजपा चिकित्सा प्रकोष्ठ व हेमंत सेवा समिति द्वारा शनिवार को अपने अनाज मंडी के पास स्थित कार्यालय पर नशा मुक्ति शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता समिति के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर ऋषिपाल सैनी ने की। शिविर में 50 लोगों को नशा छोड़ने की निःशुल्क दवा दी गई। डॉक्टर ऋषिपाल सैनी ने कहा कि युवा वर्ग अगर नशे से दूर रहेगा तभी देश तरक्की करेगा। उन्होंने कहा कि समिति अब तक लगभग 60,000 से अधिक लोगों को नशा छोड़ने की निःशुल्क दवा दे चुकी है, जिनमें काफी संख्या में लोग नशा छोड़कर समाज की मुख्य धारा में जुड़ गए हैं। उन्होंने बताया कि नशे को छुड़वाने के लिए संस्था की ओर से समय समय पर नशा मुक्ति शिविरों का आयोजन किया जाता रहा है। संस्था आगे भी नशा मुक्ति शिविरों का आयोजन कर लोगों को नशे की राह से उठाकर तरक्की की राह पर लेकर आएगी। रादौर के गांव कलेसरा में बिजली की ढीली पड़े तारों से किसानों को हादसे का भय, दुरुस्त करने की मांग। उपमंडल के गांव कलेसरा में किसानों के खेतों में बिजली की हाई वोल्टेज तारें लंबे समय से ढीली होने के कारण लटक रही हैं, जिससे किसानों को अपनी फसल के नुकसान होने का डर सता रहा है। शनिवार को जानकारी देते हुए गांव कलेसरा के किसान निर्मल सिंह ने बताया कि उनके खेतों के ऊपर से बिजली की हाई वोल्टेज तारें गुजर रही हैं, जो कि लंबे समय से ढीली पड़ी हैं। उन्होंने बताया कि इस बारे कई बार बिजली निगम के अधिकारियों को भी जानकारी दी गई, लेकिन निगम द्वारा आज तक इन ढीली पड़ी तारों को दुरुस्त नहीं करवाया गया, जिससे उन्हें हर वक्त हादसे का डर सताता है। उन्होंने बताया कि गन्ने के खेतों में तो यह तारें बिल्कुल फसल से टकरा रही हैं। कई बार तेज हवा के कारण तारों में शॉर्ट सर्किट से उन्हें फसल के जलने का भी भय सता रहा है। प्रभावित किसानों ने बिजली निगम से उनके खेतों में ढीली पड़ी इन तारों को दुरुस्त करने की मांग की है। रादौर के गांव बैंडी में कबड्डी प्रतियोगिता का किया गया आयोजन। 22 टीमें ले रही हैं भाग। बैंडी कबड्डी क्लब की ओर से शनिवार को गांव बैंडी में कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता में कांग्रेस नेता मांगेराम मरूवर के पुत्र हर्ष काम्बोज मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे और रिबन काटकर प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। इस अवसर पर हर्ष ने कहा कि हमें खेल को खेल की भावना से खेलना चाहिए। युवाओं को नशे जैसी बुरी लत छोड़कर खेलों की ओर ध्यान देना चाहिए। उन्होंने कहा कि खेलों में भाग लेने से युवाओं का जहां मानसिक व शारीरिक विकास होता है, वहीं युवा खेलों में अच्छा प्रदर्शन कर अपना भविष्य भी बना सकते हैं। वहीं क्लब के प्रधान राहुल ने बताया कि प्रतियोगिता में 22 टीमें भाग ले रही हैं। विजेता खिलाड़ियों को नगद इनाम व ट्रॉफी देकर सम्मानित किया जाएगा। रादौर के सत्यार्थ भवन में 17 अक्टूबर को होगा स्वर्णकार सेवा परिषद का 29वां राष्ट्रीय स्वर्णकार महासम्मेलन। स्वर्णकार सेवा परिषद का 29वां राष्ट्रीय स्वर्णकार महासम्मेलन 17 अक्टूबर को राष्ट्रीय मुख्यालय सत्यार्थ भवन रादौर में आयोजित किया जाएगा, जिसको लेकर परिषद के पदाधिकारियों की एक मुख्य सभा सफलतापूर्वक संपन्न हुई। शनिवार को पत्रकारों को जानकारी देते हुए स्वर्णकार सेवा परिषद के नेशनल चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर सौरभ आर्य ने बताया कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी स्वर्णकारों के शिरोमणि श्री अजमीठगढ़ महाराज की पावन जयंती स्मृति पर कार्यक्रम स्वामी सच्चिदानंद सरस्वती व परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष मेयर रतन भगत राम वर्मा की अध्यक्षता में आयोजित होगा। उन्होंने कहा कि महासम्मेलन में नशा मुक्ति व हिंदी सेवा हेतु संकल्प सप्त, राष्ट्रीय व्याख्यान, राष्ट्रीय कवि सम्मेलन, विवाह योग्य परिवारों के युवक युवतियों का परिचय सम्मेलन में बाल कलाकारों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे।